मम्मी पहुँचे हैं कोट मंदिर स्कूटी लेके, पूजा करानी है तो मम्मी भी आई है मेरे साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग केशव व्लॉग्स में आपका स्वागत है उत्तराखंड से। तो अभी मैं हूँ खेत में और मैं लगा रहा हूँ मीन खेत के किनारे पे, क्योंकि अभी दो चार दिनों में शायद रुपाई भी हो सकती है, तो इसलिए मीन लगाना ज़रूरी है ताकि खेत से बाहर पानी ना जाएगा, पानी बाहर चले जाएगा तो फिर सब खेल बिगड़ जाएगा, तो इसलिए मैं मीन लगा रहा हूँ। मीन भी आपको दिखाएंगे। और सबसे खुशी की बात तो आज ये है कि हमारी स्कूटी आ रही है एंटोर्क, भाई लोग गए हैं लेने के लिए, तो शाम तक वो भी आ जाएगी, वो भी दिखाएंगे आपको अच्छे से क्या फंक्शन है, क्या फीचर है, कैसा लुक है, जो भी है सब कुछ मतलब, तो आप लोग बने रहें। तो मीन कुछ इस तरह से लगाया है मैंने, इस खेत में तो लगा दिया, ये पिरू भी लाया हूँ साथ में ताकि इसके किनारे किनारे लगाऊं और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाएगी ताकि वो और मज़बूत रहे। तो अभी मैं आ चुका हूँ खेत से मीन लगा के, तो काफ़ी पसीना हो गया, अभी नहाना पड़ेगा। तो अभी हमारे साथ है मन्नू और ये नहा के आए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। तो मन्नू कैसा लग रहा है आज, आपकी ड्र आ रही है, आज आपकी गाड़ी आ रही है, कैसा लग रहा है, ड्र आएगी ना, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, पहले उंगली बाहर निकाल, ड्र आएगी तो कैसा लगेगा, ड्र अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है, अभी लाया, अभी दद्दा लाएगा, दद्दा लाएगा, दद्दा ड्र लाएगा ना, कैसा लगेगा मन्नू, अभी नहीं आई है डर। तो अभी मुझे शाम के 4 और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे स्कूटी आएगी, तो जब तक स्कूटी आते हैं हम तब तक खेत में जाके आते हैं, काम भी करना ज़रूरी है। तो जयंत तो बहुत खुश है, अभी 1 घंटा यहीं पे रहेगा वो स्कूटी के इंतज़ारों में, तो जब तक स्कूटी आएगी हम खेत में जाके आते हैं जल्दी से और यहीं पर मिलेगी अभी थोड़ी देर में। तो हमारी पार्टी चल रही है ख़तरनाक वाली और ये फोटोग्राफी हो रही है चाची के द्वारा, और यहाँ पे हमारा स्नैक्स, हमारा चकना, पानी गिर गया है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ, ये बहुत पहले खाया करते थे हम, ये मटर वाले नमकीन, और ये तो पंजाबी तड़का, तो इसका तो खैर नाम ही चेंज हो गया, क्या लिख दिया, नमकीन वाला, वाह शाबाश, नमकीन वाला नमकीन खाएंगे और नमकीन वाला के हरा मटर खाएंगे। महकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। कोट मंदिर स्कूटी लेके, पूजा करानी है तो मम्मी भी आई है मेरे साथ, वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो चुन्नी नहीं ली, चुनरी। तो ये है हमारी स्कूटी, चाहे जिंदगी ऐसी जी, तब चाहे जिंदगी है। कस लागनो बे,
कैसा लग रहा है? आपने स्कूटी ले ली है? नहीं, अच्छा लग रहा है। अपने बड़े बेटे के लिए? बड़े बेटे के लिए आंधे को रोया। वो तो मिल हरी ने उसका है, वो चलो नहीं होता है। हम छुप छुपाए ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए। पूजा पाठ हो गई है संपन्न। अभी हम ये बांधेंगे स्कूटी में। ये मंदिर से मिला है हमें चुनरी। हमारी माता जी ले जा रही है हेलमेट। देखो कैसा लग रहा है। फिर 6 बजे आए थे, हम 8 बजे जा रहे हैं घर को। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो पहले पीठा लग सही में सही कर है। ये बोल कल है, ये कल बोल। बस बस उड़ जाएगा वो। फिर सब आप तो सकुशल मंगल हम आ गए थे मंदिर से। मैं मम्मी आ गए थे दोनों साथ। अच्छे से आए और काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर गए स्कूटी लेके और स्कूटी के लिए पूजा भी की और जो जो सब होता है वो सब किया। तो होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जिस किसी को पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और जो चैनल पर आया है सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।